मुर्गी से भी ज्यादा देखने को मिलते हैं सोनाली में। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनाली पोल्ट्री फार्मिंग के रिगार्डिंग। या दोस्तों सोनाली ब्रीड का नाम आपने भी सुना ही होगा। दोस्तों अगर मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र की बात करूँ तो सोनाली उतनी ज़्यादा महाराष्ट्र में पाली नहीं जाती है। यहाँ पर दो ब्रीड सबसे ज़्यादा पाली जाती है, वो एक तो है कावेरी और दूसरी होती है डीपी क्रॉस, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें तो सोनाली अपनी एक अलग पहचान बना रही है। दोस्तों पिछले एक से लेकर दो सालों से सोनाली ब्रीड का काफ़ी ज़रा नाम चल रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वो दे रही है, काफ़ी अच्छा रेट पोल्ट्री फार्मर्स को दे रही है, ठीक है। साथ ही साथ गावरान मुर्गी से काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलती जुलती है, इसी कारण जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है, ओवरऑल जो उसका बेनिफिट होता है पोल्ट्री फार्मर को, वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। इसके वजह से ऑल ओवर इंडिया सोनाली ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर्स इसको पसंद कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑल ओवर जो आपकी सोनाली ब्रीड होती है वो एक किलो का बॉडी वेट बनाने के लिए कितना दाना खाती है, एक किलो का बॉडी वेट बनाने के लिए कितना समय लेती है, साथ ही साथ कावेरी और डीपी क्रॉस के मुकाबले इसमें कौन सी खास बात है, साथ ही साथ सालाना एनुअल ये अंडा कितनी देती है, इसके अलावा क्या आपको सोनाली की फार्मिंग करना चाहिए, सभी बातों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आज के इस वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपए में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपए में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपए ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात निकल के आती है कि ये जो सोनाली ब्रीड होती है, सबसे पहले तो हमें यह बताओ कि ये जो कावेरी और डीपी क्रॉस ब्रीड जो ऑल ओवर इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, इसके कंपेयर में सोनाली ब्रीड की अपनी क्या खासियत है, इसको हमें क्यों पालना चाहिए। देखिए अगर मैं कावेरी और डीपी क्रॉस में कंपेयर करता हूँ सोनाली मुर्गी से, तो सबसे मेन बात यहाँ पर निकल के आती है कि कावेरी और डीपी क्रॉस के मुकाबले जो कलर वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं सोनाली ब्रीड में, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो बॉडी स्ट्रक्चर में या फिर उसके फीदर शाइनिंग जिसको बोलते हैं, जिसको फीदर्स के जो भी कलर डार्कनेस होता है, फीदर्स की जो शार्पनेस होता है, शाइनिंग होती है, ये सभी मामलों में कावेरी और डीपी क्रॉस के मुकाबले सोनाली मुर्गी की फीदर्स की शाइनिंग भी ज़्यादा होती है, उसका कलर कॉम्बिनेशन भी वेरिएशन भी उसमें ज़्यादा होता है, उसमें डार्कनेस भी ज़्यादा होता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम कावेरी और डीपी क्रॉस के मुकाबले सोनाली मुर्गी को कंपेयर करें तो उसकी जो दुम होती है सोनाली मुर्गी की, वो खड़ी होती है। जहाँ दोस्तों जिस तरीके से गावरान मुर्गियों की दुम खड़ी होती है, उस तरीके से सोनाली मुर्गियों की मैक्सिमम जो दुम होती है मुर्गा और मुर्गी की, उसकी दुम खड़ी होती है। वही अगर कंपैरेटिवली कावेरी और डीपी क्रॉस मुर्गी की हम दुम अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको दुम उनकी पैरेलल या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे झुकी हुई दिखाई देती है, जो कि दुम खड़ी होने के वजह से गावरान मुर्गियों से ये काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। साथ ही साथ एक बात और से नोटिस करने वाली है कि सोनाली मुर्गी के जो भी मुर्गे होते हैं उसका जो भी कॉम होता है, वो सभी मुर्गों का कॉम एक समान आता है, एक ही कलर वेरिएशन में आता है। वही अगर हम डीपी क्रॉस कावेरी मुर्गियों की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी मुर्गे के जो कॉम होते हैं वो रोच पैटर्न में होते हैं, किसी का जो कॉम होता है वो स्लाइट होता है। इस तरीके से आपको कॉम में वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं अपने कावेरी और डीपी क्रॉस मुर्गियों में। लेकिन वही अगर हम सोनाली मुर्गी की बात करें तो जिस भी सोनाली मुर्गी के जो भी कॉम होता है, यानी कि मुर्गी का जो कॉम होता है वो स्ट्रेट होता है, और जब कभी भी ये मैच्योरिटी स्टेज पे आते एक उम्र के होते हैं तो सभी मुर्गों का कॉम एक समान एक ही गति से बढ़ता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा इस तरीके से नहीं बढ़ता है। इसके वजह से ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ब्रीड दिखाई देती है। इसके पहले भी मैंने देखा ओवरऑल दोस्तों, जब कभी भी ये एक किलो के बॉडी वेट के आसपास में होते हैं, 1100-1200 साइज के होते हैं, तो कावेरी और डीपी क्रॉस के मुकाबले इसको अगर कंपेयर करते हो तो ओवरऑल लुक इसका काफ़ी अच्छा होता है। तकरीबन अगर मैं सही बातों में अगर बोलूँ तो ओरिजिनल गावरान के मुर्गा और मुर्गी जितने खूबसूरत मुर्गे नहीं दिखते, उतने खूबसूरत मुर्गे ये सोनाली मुर्गी दिखती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खूबसूरती के मामले से लेकर दिखावट के मामले में, सभी मामलों में ये ओरिजिनल गावरान, कावेरी और डीपी क्रॉस मुर्गियों के आगे निकल के आते। इसके वजह से ऑल ओवर इंडिया पिछले 1.5 से लेकर 2 सालों से सोनाली ब्रीड काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है।
अभी यहाँ पर किसी पोल्ट्री फार्म भाइयों को अंडों के पर्पज के लिए अगर सोनाली ब्रीड पालना है तो उसके मन में सवाल आता है कि भैया अभिषेक भाई हम ये बताओ कि एनुअली सोनाली मुर्गी कितना अंडा देती है। देखो भाई, सोनाली मुर्गी तो खास तौर पर मैंने कभी पाली नहीं है, लेकिन जो भी सोनाली मुर्गियाँ मेरे फार्मर्स पहचान के पालते हैं छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और झारखंड, इस साइड में मैंने उनसे बात करी है, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि तकरीबन 180 से लेकर 190 के दरमियान ये मुर्गियाँ आपको अंडा दे देती है अगर आपका फीड मैनेजमेंट अच्छा है तो। और रही बात अभी इनके पैरों की भी बात बोल देते कि दोस्तों, जिस तरीके से डीपी क्रॉस और कावेरी मुर्गियों का कंपेयर करते समय एज कम्पेयर टू डीपी क्रॉस कावेरी मुर्गी के पैर पतले होते हैं, उसी तरीके से सोनाली मुर्गी की अगर हम बात करते हैं तो कावेरी मुर्गी के जैसे ही बिल्कुल सेम पतले पैर सोनाली मुर्गी के होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कावेरी और सोनाली मुर्गी में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है कावेरी मुर्गी से भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं सोनाली में। कलर में वेरिएशन ज़्यादा है, साथ साथ कलर में शाइनिंग ज़्यादा है और साथ साथ कलर में डार्कनेस ज़्यादा है, यानी कि कलर पैटर्न जो आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जैसे कि आप कावेरी डीपी क्रॉस में देखते हो आपको ज़्यादातर एक दो ही कलर कॉम्बिनेशन दिखने को देखते हैं, लेकिन सोनाली मुर्गी की यहाँ पर अगर बात हम करते हैं तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। एक ही मुर्गे में दो दो तीन तीन कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देते हैं, जिसके वजह से काफ़ी अच्छा वो गुड लुकिंग मुर्गा और मुर्गी दिखती है, और साथ ही साथ जब आप मार्केट में उसको बेचते हो तो एज अ ओरिजिनल गावरंग के जैसे इसको रेट मिलने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ बेसिक डिफरेंस होता है कावेरी, सोनाली और डीपी क्रॉस के दरमियान। तो अगर आपको कहीं पर से भी अगर आपको सोनाली के चिक्स मिलते हैं कंपेरेटिवली कावेरी और डीपी क्रॉस के, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूँगा कि आपको सोनाली मुर्गी के चिक्स ही आपके फॉर्म पर प्लेसमेंट करने हैं। रही बात चिक्स के रेट की, तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर कावेरी और सोनाली और डीपी क्रॉस के चिक्स के रेट की अगर हम कंपेयर करते हैं तो सोनाली के चिक्स की प्राइजिंग कावेरी और डीपी क्रॉस के मुकाबले 10 रुपये से ज़्यादा है। या दोस्तों, वही जहाँ पर आपको कावेरी और डीपी क्रॉस का बच्चा 20-22 रुपये में मिल जाता है, वहीं पर अगर सोनाली की हम बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट में 30 रुपये से लेकर इसका 40 रुपये तक के रेट चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यही कुछ बातें थी, यही कुछ FCR था उसका। और तकरीबन एक बात और से मेरे से छूट गई थी कि 1 किलो का बॉडी वेट बनाने के लिए सोनाली मुर्गी कितना टाइम लेती है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके फीड की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना कम वक्त सोनाली मुर्गी 1 किलो का बॉडी वेट गेन करवाने के लेगी, लेकिन जहाँ तक कि मैंने पोल्ट्री फार्मर से बात करी है, जो लोग सोनाली अपने स्टेट में पालते हैं तो तकरीबन 80 दिन से लेकर 85 दिन का राउंड फिगर में टाइम लेती है 1 किलो का बॉडी वेट गेन करने के लिए। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको 1 किलो का बॉडी वेट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है सोनाली को, तकरीबन 80 से लेकर 85 दिन, कितना किलो दाना खा के 1 किलो का बॉडी वेट गेन करती है, तकरीबन 3 किलो से लेकर 3.25 किलो फीड खा के 1 किलो का बॉडी वेट गेन करती है, साथ ही इसका FCR कितना होता है 3.1 से लेकर 3.2 का इसका FCR होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसकी चिक्स की प्राइसिंग क्या होती है, ये सभी के सभी बातों का आज के वीडियो में आपको जानकारी दी हूँ। आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का एक पॉलिटिकल नॉलेजेबल वीडियो के मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।